करते हैं बच्चों 4.2 स्टार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में क्या आएगा? नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 में नॉन होमोजीनियस आ जाएंगी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड वही रहेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड वही रहेगा जो हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया है। तीन मेथड वही है। फर्स्ट केस है आपका, अगर आपका राइट में क्या हो, ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी वाई हो तो वही केस है। सेकेंड है आपका, अगर साइन एम एक्स प्लस एन वाई हो या फिर कोस एम एक्स प्लस एन वाई हो तो भी वही केस रहेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। थर्ड है आपका, अगर आपका राइट में हो एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एन तो भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, मेथड वही रहेगा जो 4.1 में हमने किया है। उसके अलावा एक और मेथड इसने लिख दिया है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, अगर आपका राइट में जो फंक्शन है ना वो इस टाइप का हो वी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई। एक और इसने लिखा है कि अगर आपका राइट में फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वी इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, अगर इस टाइप का आपका फंक्शन हो राइट में तो उसके लिए वी कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का। यहाँ पे जो ये वी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है वी कोई भी फंक्शन हो एक्स वाई का और साथ में आपका ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो इसमें जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे ना बच्चों, तो उसके लिए इसने फॉर्मूला दे दिया, ऐसे निकालते हैं 1/fdt' है ना, और यहाँ पे ये लिखोगे वी ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये किसके इक्वल होता है वो लिखा हुआ है, इसको लिखो एज इट इज ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे 1/fd को रिप्लेस करो d प्लस a से, d को रिप्लेस करो d प्लस a से और d डैश को रिप्लेस करो d डैश प्लस b से, d डैश प्लस b से, और आप इसको अप्लाई कर दो किस पे, v पे, इस v, ये होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो फर्स्ट है, अगर आपका राइट में फंक्शन हो e रेज टू पावर ax प्लस by तो वही मेथड है, x रेज टू पावर m इंटू y रेज टू पावर n हो तो भी वही मेथड है जो 4.1 में हमने किया था, और अगर आपका साइन mx प्लस ny या फिर cos mx प्लस ny है तो भी वही मेथड है। एक और इसने ऐड कर दिया यहाँ पे, अगर आपका राइट में क्या है v इंटू e रेज टू पावर ax प्लस by, तो इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए उसने ये दे दिया कि आप क्या करो e रेज टू पावर ax प्लस by को एज इट इज रखो, उसके बाद यहाँ पे f d d डैश में रिप्लेस करो d को d प्लस a से और d डैश को d डैश प्लस b से, और इस ऑपरेटर को ऑपरेट कर दो v पे जो कि आपका x और y का फंक्शन। तो एक ये नया मेथड आया है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, बाकी वही है। उसके बाद यहाँ पर जो चेंज है ना बच्चों वो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का। मेन काम यहाँ पे जो चेंज आया है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, अगर आपका नॉन होमोजीनियस फंक्शन हो एफ डी डी डैश जो है ना वो नॉन होमोजीनियस फंक्शन है डी ओ डी डैश का, तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, उसके दो मेथड है आपके। फर्स्ट मेथड ये है कि आप एफ डी डी डैश को अगर रिजोल्व कर पा रहे हो लीनियर फैक्टर्स में, डी ओ डी डैश के लीनियर फैक्टर्स में अगर आप रिजोल्व कर पा रहे हो तो एक मेथड तो है उसका। दूसरा मेथड है कि एफ डी डी डैश को अगर आप रिजोल्व नहीं कर पा रहे लीनियर फैक्टर्स ऑफ डी एंड डी डैश तो उसके लिए अलग मेथड से ही अपनी का, बस उसके बाद एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक टेबल बनी हुई है पेज नंबर 4.32 पे, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको लिखवा देती हूं एक बार। फर्स्ट है फॉर्म ऑफ लीनियर फैक्टर्स ऑफ एफ डी डी डैश, अगर आपने एफ डी डी डैश के लीनियर फैक्टर बनाए और वो इस टाइप के बन गए ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी, ठीक है, अगर आपने लीनियर फैक्टर बनाए एफ डी डी डैश के और वो इस टाइप के बन गए तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का डायरेक्ट रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो इससे कॉरस्पॉन्डिंग आएगा ना इस पार्ट पे कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा e रेज टू पावर c अपॉन a
e रेज टू पावर c बाय a x, और यहां पर आएगा 5 bx प्लस ए वाई, और यहाँ पे बच्चों a जो है ना वो आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि a यहाँ पे e की पावर में डिनोमिनेटर में लिखा गया है ना, तो a आपका नॉन जीरो होना चाहिए। अगर a नॉन जीरो है, a नॉन जीरो होने का मतलब d का कुछ पार्ट है लीनियर फैक्टर में, है ना, तो d अगर इस टाइप का आपका फैक्टर है और a नॉन जीरो है, तो इसके कोरस्पोंडिंग, इस लीनियर फैक्टर के कोरस्पोंडिंग जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा e रेज टू पावर c बाय a x, ठीक है, और यहाँ पे 5 bx प्लस a1, ये आपका नॉन जीरो, ठीक है, कर लिया याद, कर लो फटाफट, नहीं हुआ है। उसके बाद बच्चों ad माइनस bd डैश माइनस c, अगर आपने fdd डैश के फैक्टर किए लीनियर फैक्टर, और वो इस टाइप के लीनियर फैक्टर आए जो कि रिपीट हो रहा है, ये वाला लीनियर फैक्टर आपका r टाइम्स रिपीट हो रहा है, रेस्ट पावर आर लिख दिया, रिपीटेड फैक्टर है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, वो इस तरह से लिखा जाएगा e रेज टू पावर c बाय a x, ये टर्म एज इट इज है, उसके बाद 5 1 bx प्लस ए वाई, फिर प्लस x 5 2 bx प्लस ए वाई, ठीक है, फिर प्लस x स्क्वायर 5 3 bx प्लस ए वाई, प्लस अप टू 4 प्लस x, r टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा जब लास्ट में लिखोगे तो आप r माइनस 1 फाइव r bx प्लस ए वाई, ये आ जाएगा आपका, और a नॉन जीरो है यहाँ पे, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, अगर ये फैक्टर है तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग। अगर यही फैक्टर आपका हर टाइम्स रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो जिस बच्चे को ये वाला रिजल्ट याद है ना, तो उसी से ये आया है, देखो e रेज टू पावर c बाई ए एक्स एज इट इज है, उसके बाद ये वाला पार्ट है ना, अगर r टाइम्स रिपीट हो रहा है फैक्टर, तो सेम 5 1 ये लिख दिया, फिर प्लस x की पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी, x 5 2 एज इट इज, फिर प्लस x स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है, ए आपका नॉन जीरो हो गया यार। जो जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है ना वो याद करा रही हूँ मैं आपको, बाकी तो 16 रिजल्ट लिखे हुए हैं आप देख लें ना, जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद करवा रही हूँ। उसके बाद बच्चों देखो, ये तो था अगर a आपका नॉन जीरो है तो हमने इस तरह से लिख दिया था, है ना, इसी को, इसी के कोरस्पोंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का एक और मेथड भी है, ठीक है, अगर आपका b नॉन जीरो है तो आपकी मर्जी वैसे लिख लो जो अभी लिखवाया था, उसके लिए क्या कंडीशन है, a नॉन जीरो होना चाहिए, और अगर b नॉन जीरो है तो इसके कोरस्पोंडिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा आपका e रेज टू पावर माइनस c बाय b y phi, यहां पर आ जाएगा bx प्लस ay, bx प्लस ay, और साथ में b आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये चेंज है, यहां पर क्या चेंज हुआ है बच्चों, phi bx प्लस ay, ये तो एज इट इज है, ये तो एज इट इज है, ठीक है, यहां पे चेंज हुआ है, हाँ यहां पे क्या चेंज है कि वहां पे तो था c by a x, x था यहां पे, यहाँ पे क्या हो गया c by b y हो गया और विद नेगेटिव साइन, ठीक है, तो c तो वहां पे भी था यहाँ पे भी है, a की बजाय यहाँ पे माइनस b आ गया और x की जगह पे y आ गया, ये चीज है, लेकिन ये कब लिखा जाएगा जब आपका b नॉन जीरो, और अगर बच्चों a भी नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है तो आपकी मर्जी जो इससे पहले लिखवाया था वो लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग या फिर ये, क्लियर। उसके बाद इस ये कैसे लिखोगे, ये लिखने के लिए e raise to power minus c by b y, ये तो as it is, अब यहाँ पे आएगा 5 1 bx plus ay, और क्योंकि आप इस तरह से लिख रहे हो तो यहाँ पर आएगी y की पावर्स इंक्रीज हो जाएंगी, y 5 2 bx plus ay,
फिर प्लस अप टू फोर कहां तक, y रेज टू पावर r माइनस वन फाइव आर बी एक्स प्लस ए वाई, इस तरह से लिखा जाएगा आपका। और यहां पे साथ में लिख देना b आपका नॉन जीरो है, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर आपका नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और आपको सीएफ निकालना है उसका, तो सीएफ निकालने के लिए दो मेथड है। सबसे पहला ये है कि अगर एफ डी डी डैश रिजोल्व हो रहा है लीनियर फैक्टर में, और लीनियर फैक्टर डी डी डैश के इस टाइप के होने चाहिए आपके, ठीक है। अगर रिजोल्व हो रहा है तो ये है डायरेक्ट रिजल्ट जो मैंने अभी कराया आपको, और अगर एफ डी डी डैश डी और डी डैश के लीनियर लीनियर फैक्टर में रिजोल्व नहीं हो रहा है, उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का मेथड है वो मैं अभी आपको करा, ठीक है। उसके बाद जो देखो बाकी जो रिजल्ट्स लिखे हुए ना, देखो 16 रिजल्ट लिखे हुए हैं आपके, पहले जो 8 रिजल्ट्स हैं वो जो फर्स्ट जो मैंने पहले लिखवाए थे ना उन्हीं से निकले हैं, और लास्ट वाले जो 8 रिजल्ट हैं वो इन्हीं की हेल्प से निकले। इस तरह से 16 रिजल्ट हुए आपके। अब यहां से देखना इसके आगे अगर ये आ जाए आपका ए डी माइनस बी डी डैश, अगर इस टाइप का फैक्टर बन रहा है आपका, ठीक है, इस टाइप का फैक्टर बन रहा है, तो आप एक बात बताओ यहाँ पे तो सी जीरो हो गया ना, सी जीरो हो गया, और सी जीरो होते ही जब आप लिखोगे तो बी नॉन जीरो ही है, सी जीरो यहाँ पे पुट करना क्या आ जाएगा, सी जीरो तो ए की पावर जीरो वन, तो ये आ गया वन, क्या लिखा गया पाई बी एक्स प्लस ए वाई, बस इसके कोरोस्पोंडिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा वो क्या आ जाएगा पाई बी एक्स प्लस ए वाई, क्लियर, पाई बी एक्स प्लस ए वाई, और बी आपका है नॉन जीरो, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखने की जरूरत है आपको, नहीं है ना, जिस बच्चे को ये वाला इसके कोरोस्पोंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना आता है वो तो इसी की हेल्प से लिख देगा, क्योंकि यहां पर क्या है सी की वैल्यू जीरो ही है, बस वो हमने पुट की है रिजल्ट, ठीक है। तो इसी तरह से आगे रिजल्ट्स जो लिखे गए हैं वो इन्हीं से निकले हैं। फिर उसके आगे है अगर आपका हो इस टाइप का बी डी माइनस ए डी डैश रेज टू पावर आर, ये हो आपका इस टाइप का फैक्टर आ रहा हो, ठीक है, तो ये क्या है इस वाले पार्ट में सी की वैल्यू जीरो कर दो, सी की वैल्यू जीरो करोगे तो ये आपका वन बन जाएगा, मतलब ब्रैकेट वाली है ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इससे अगला है अगर आपका इस टाइप से हो माइनस डी डैश, यहीं पे देखो 8 रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, दो तो ये हो गए, चार हो गए, उसके बाद जो फिफ्थ है वो देखो, उसके बाद फिफ्थ है, अगर आपका जो फैक्टर है ना वो इस टाइप से आ जाए माइनस डी डैश, ठीक है, माइनस डी डैश, तो यहां पर देखना बच्चों माइनस डी डैश आया, कंपेयर करवाओ बताओ क्या आएगा, ए की वैल्यू है जीरो, बी की वैल्यू है माइनस वन, और सी की वैल्यू है जीरो, यही है ना, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो सी की वैल्यू जीरो करते ही ई रेज टू पावर जीरो बनेगा वन, तो ये यहां पर तो आ गया वन, फिर उसके बाद फाइव फाइव बी की वैल्यू है वन, वन इंटू एक्स एक्स, फिर प्लस ए की वैल्यू है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये आ गया फाइव एक्स, ठीक है। तो इसके कोरोस्पोंडिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा वो आ जाएगा फाइव एक्स, तो याद रखने की जरूरत है, नहीं है ना, सिर्फ ये रिजल्ट याद है तो वो बच्चा यहीं से लिख सकता है इसके कोरोस्पोंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। और फिर इससे आगे अगर आपका आ जाए माइनस डी डैश रेज टू पावर आर, अगर आ जाए माइनस डी डैश रेज टू पावर आर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वैल्यू इस वाले रिजल्ट में पुट कर देनी है, ठीक है बच्चों। तो 6 रिजल्ट्स हो गए, 6 हो गए, दो और रहते हैं वो भी इसे निकले देखने एक बार, दो रिजल्ट और हैं, एक है अगर आपका जो फैक्टर बन रहा है वो माइनस बी डी डैश माइनस सी, माइनस बी डी डैश माइनस सी, अगर इस टाइप का फैक्टर बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर देखना है क्या वैल्यू है, जीरो है ना, कंपेयर करवाओ इससे, ये वाली टर्म तो एज इट इज है लेकिन ए नहीं है, तो ए की वैल्यू जीरो रही है,
ए की वैल्यू जीरो है तो इस वाले रिजल्ट में ए की वैल्यू जीरो पुट कर दो, यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, बाकी ये आ जाएगा बस ये, ठीक है यही आएगा ना बच्चों, तो ये रिजल्ट बन जाएगा ये वाला इसके लिए, ठीक है। और अगर इसी की पावर आर कर दे, वो आर कर दे तो इसमें ये पुट कर दो, क्लियर। तो इस तरह से आठ रिजल्ट बने हैं, आठ रिजल्ट तो इसी वाले फॉर्मूले से बन गए, और आठ रिजल्ट कौन से, जो दो मैंने पहले करवाए थे ना आपको कि अगर ए नॉन जीरो है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, आठ वहां से बन जाएंगे, तो टेबल बनी हुई है 16 रिजल्ट्स की, बट मेन रिजल्ट्स कौन से हैं, सिर्फ चार, दो तो ये और दो जो पहले लिखवाए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, वहीं से बाकी रिजल्ट्स याद हो जाएंगे।